अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल सॉल्व F2 BBP किट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर जॉब बैच एंड सर्विस कॉस्टिंग। लेट्स स्टार्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्टिंग मेथड इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड बाय अ कंपनी इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लिक्विड सोप। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक कंपनी है जो कि लिक्विड सोप बनाती है, तो वो कौन सा कॉस्टिंग मेथड यूज करती होगी? बैच कॉस्टिंग यूज करती होगी, सर्विस कॉस्टिंग यूज करती होगी, जॉब ऑर्डर यूज करती होगी, या प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करती होगी? देखो, बैच कॉस्टिंग में तो हम बैच के हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। सर्विस कॉस्टिंग में हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसकी कॉस्टिंग करते हैं, ठीक है, जैसे कि होटल्स वगैरह हो गए, रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गए। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में हम एक यूनिट की कॉस्टिंग करते हैं जो कि कस्टमर के ऑर्डर पे होता है, तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन। द राइट आंसर इज प्रोसेस कॉस्टिंग, क्योंकि लिक्विड सोप बनाना, लिक्विड सोप की मैन्युफैक्चरिंग करना एक कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस है, तो दैट्स व्हाई जो ये कंपनी है ये अपने लिक्विड सोप मैन्युफैक्चर करने के लिए जो कॉस्टिंग मेथड यूज करती होगी वो करती होगी प्रोसेस कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपनी कैलकुलेट्स द प्राइस ऑफ जॉब बाय एडिंग ओवरहेड्स टू द प्राइम कॉस्ट, ओके, एंड एडिंग 30% टू टोटल कॉस्ट एज अ मार्कअप। कंपनी जो है अपना जो कॉस्ट निकालती है वो प्राइम कॉस्ट के अंदर अपने ओवरहेड ऐड कर देती है, तो एक कॉस्ट आ जाती है, सही है, और प्रॉफिट निकालने के लिए वो कॉस्ट का 30% प्रॉफिट कमाती है ऑन मार्कअप। जॉब नंबर Y256 वाज सोल्ड फॉर 1690 एंड इनकर्ड ओवरहेड ऑफ 694। ये उसकी सेलिंग प्राइस है और ये उसके ओवरहेड है। व्हाट वाज द प्राइम कॉस्ट ऑफ द जॉब? तो जॉब की प्राइम कॉस्ट क्या होगी? वैसे तो हम ना इसका एक सिंपल फॉर्मेट है कि हम प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं अपना प्रोडक्शन ओवरहेड, तो हमारे पास आ जाती है प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर कोई एडमिन ओवरहेड होता है तो वो ऐड करते हैं, तो हमारे पास आ जाती है टोटल कॉस्ट। फिर हम अपना सेलिंग प्राइस रख के अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अगर एडमिन ओवरहेड नहीं है तो डायरेक्टली हमारी टोटल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट ही इसका ऐड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे उसने हमसे ये वाली फिगर पूछी है, उसने हमसे प्राइम कॉस्ट पूछा है, तो हमें रिवर्स वर्किंग करनी होगी। तो हमारी सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है 1690। हम जो है लेस करेंगे अपना प्रॉफिट मार्जिन। अब वो मैं कैसे करूंगी? अच्छा जी, उसने मुझसे बोला है कि मैं 30% पे कमाती हूँ, यानी कि मेरी जो सेलिंग प्राइस होगी ये होगा 30%, ये होगा 130%, और मेरी जो कॉस्ट होगी वो होगी 100%। ऐसे ही है। अब मुझे अपनी प्रॉफिट की फिगर मालूम करनी है, ये वाली फिगर मालूम करनी है। तो 1690 जहां मुझे जाना है 30 पे और जहां मैं हूँ उससे डिवाइड करवाऊंगी। 1690 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 130, 390। अब जाहिर सी बात है, सेलिंग प्राइस लेस प्रॉफिट, मेरे पास मेरी कॉस्ट आ जाएगी 1690 का 1690 माइनस 390, 1300। 1300 मेरी कॉस्ट आ गई। इसमें से मैं अपने ओवरहेड लेस करवा दूंगी जो कि है 694।
मेरे पास मेरी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। मैंने सिंपली ये रिवर्स वर्किंग किए, जो चीज ऐड होती थी उसको लेस करवाया और जो लेस होती थी उसको ऐड करवाया, तो मैं रिवर्स वर्किंग करते वक्त करते करते प्राइम कॉस्ट तक पहुंच गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी ऑपरेट्स अ जॉब कॉस्टिंग सिस्टम, द एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर जॉब 173 आर एस फॉलो, डायरेक्ट मटेरियल 5 मीटर्स एट एट $20 पर मीटर। कंपनी ऑपरेट्स अ जॉब कॉस्टिंग सिस्टम, द एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर जॉब 173 आर एस फॉलो, डायरेक्ट मटेरियल 5 मीटर्स एट $20 पर मीटर। जो मटेरियल है वो 5 मीटर लगता है और 1 मीटर $20 का आता है, और जो लेबर है वो 14 घंटे काम करता है और 1 घंटा काम करने के $8 लेता है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आर रिकवर्ड एट द रेट ऑफ 3 पर डायरेक्ट लेबर आर। अच्छा जी, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड का जो रेट है वो है 3, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर द ईयर आर बजटेड टू बी 2 लाख एंड आर टू बी रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल ऑफ 40,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स फॉर द ईयर। ओके जी, हम डिवाइड करके रेट निकाल लेंगे और उसको हम 14 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि मैंने बताया है लेबर के घंटे और ओवरहेड के घंटे सेम होते हैं। अदर ओवरहेड जो है हमारे पास सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर, उसका जो रेट है वो है 80 पर जॉब। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट फॉर जॉब 173। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल फाइव मल्टीप्लाई बाय 20, डायरेक्ट लेबर 14 मल्टीप्लाई बाय 8, वेरिएबल ओवरहेड्स 14 को मल्टीप्लाई करूंगी 3 से 42, फिक्स ओवरहेड निकालने के लिए मल्टीप्लाई तो 14 से होगा, ये रेट मिसिंग है, इस रेट को मैं इस तरीके से मालूम करूंगी, 2 लाख डिवाइडेड बाय 40,000, तो ये आ जाएगा 5 पर डायरेक्ट लेबर आर। ये मैंने फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट निकाला है, ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करवाया 5 से, 14 फाइव जा 70, अदर ओवरहेड जो है मेरे वो है मेरे 18, इन तमाम को जब मैं ऐड कर लूंगी 100 प्लस 112 प्लस 42 प्लस 70 प्लस 80, मेरे पास आ जाएगी 404। तो जो मेरी टोटल कॉस्ट है ऑफ जॉब 173 वो है 404। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फर्म मेक्स स्पेशल असेंबलीज टू कस्टमर ऑर्डर एंड यूजेस जॉब कॉस्टिंग। ओके, एक फर्म है जो कि स्पेशल असेंबलीज बनाती है अपने कस्टमर्स के लिए, जब कस्टमर उनको ऑर्डर देते हैं। फॉलोइंग डेटा गिवन है, ओपनिंग WIP, अच्छा 3 जॉब्स हैं, AA10, BB15 और CC20। इन तीनों जॉब्स का मटेरियल लेबर ओवरहेड्स भी दिए हुए हैं। आगे ये भी लिखा हुआ है कि द जॉब BB15 वॉज कंप्लीटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द पीरियड, जो ये वाली जॉब है ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। ओके, वो हमसे सिर्फ ये पूछ रहा है। अच्छा जी, डायरेक्ट मटेरियल तीनों का अलग अलग दिया हुआ है,
लेबर इसका भी दिया हुआ है, इसका भी दिया हुआ है, इसका भी दिया हुआ है। अच्छा जी, अब बात आ रही है किसकी, ये लेबर दिया हुआ है, ये मटेरियल दिया हुआ है, और ये जो है हमारी ओपनिंग WIP है। अच्छा जी, आखिर में वो हमसे ये पूछ रहा है, बोल रहा है द बजटेड ओवरहेड फॉर द पीरियड वर $1,26,000। दो जो मेरे बजटेड ओवरहेड्स हैं वो है 1,26,000। अब ये जो 1,26,000 है ना, ये इन तीनों के हैं, इन तीनों का मिला के दे दिए। जिस तरह ओवरहेड के अंदर हमें एक खर्चा दे देते हैं, फिर उसको हम अपोर्शन करते हैं सूटेबल बेसिस के साथ, तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। और यहाँ पे तो हमसे क्या पूछ रहा है, जॉब नंबर क्वेश्चन नंबर 9A.4 में, के कितना इस 1,26,000 में से ओवरहेड का खर्चा CC20 के हिस्से में कितना आएगा। तो हमें तो अपोर्शनमेंट करनी आती है, अपोर्शनमेंट करने के लिए। अच्छा जी, 2,46,000 जो ये खर्चा है, डिवाइडेड बाय इन तीनों का टोटल, क्योंकि हम डायरेक्ट लेबर आर की बेसिस पे कर रहे हैं ना। 1,45,000 प्लस 3,500 प्लस 2,46,000, इन तीनों को सम कर लूंगी और मल्टीप्लाई मैं करवाती हूँ अपने इस खर्चे से, जो मेरा खर्चा है। ऐसे ही हम करते हैं ना रीअपोर्शनमेंट, इन तीनों को ऐड करूंगी, 42,600 मल्टीप्लाई बाय 1,26,000। जो मेरे पास ओवरहेड का खर्चा आएगा वो मेरा आ जाएगा 72761, जॉब नंबर CC20 के हिस्से में, 72761। ये वाला जो क्वेश्चन है ये प्रोसेस कॉस्टिंग का है, तो जब इंशाल्लाह ताला हम वो चैप्टर करेंगे तो ये क्वेश्चन मैं आपको वहां सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि इसके अंदर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस पूछा हुआ है, तो ये मैं आपको उधर करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आइटम्स मे बी यूज्ड इन कॉस्टिंग बैचेस। कौन कौन सी चीजें जो हैं वो कॉस्टिंग में यूज होती हैं। एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल, यस एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल यूज होता है। एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड तो यूज नहीं होते, हम तो एब्जॉर्ब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यूज करते हैं, हम तो रेट निकालते हैं। तो वन इज द राइट आंसर, थ्री इज द राइट आंसर, एंड एक्चुअल लेबर कॉस्ट इज द राइट आंसर। टू इसका ऑप्शन नहीं है, 1, 3 एंड 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। Which of the following would be appropriate cost unit for a passenger coach company? अच्छा जी, एक passenger coach company है, इसके लिए suitable cost unit कौन सा होगा? व्हीकल कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, फ्यूल कॉस्ट फॉर ईच व्हीकल पर किलोमीटर, यस 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। ये दोनों ही इसके लिए अप्रोप्रिएट या सूटेबल कॉस्ट यूनिट होंगे। अच्छा जी, जो पहला वाला ऑप्शन है वो इसलिए सही है क्योंकि ये कंबाइन कर रहा है डिस्टेंस ट्रेवल को भी और नंबर ऑफ पैसेंजर्स को भी, जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स ये लेके लेके जा रहा है, तो बोथ ऑफ विच आर कॉस्ट अफेक्ट, तो दोनों के पैसे होंगे। मैंने ये बात बोली कि हर कॉस्ट यूनिट को यूनिट कॉस्ट भी होना चाहिए, तो एक तो ही आंसर सही है। और दूसरा वाला जो है वो आंसर इसीलिए सही है क्योंकि द फ्यूल कॉस्ट फॉर ईच व्हीकल पर किलोमीटर कैन बी यूजफुल फॉर कंट्रोल पर्पस, बिकॉज इट फोकसेस ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग ईच व्हीकल, के कितना फ्यूल लग रहा है हर किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए। तो हर किलोमीटर ट्रेवल करने के पैसे पैसे भी होंगे, दैट्स व्हाई ये कॉस्ट इफेक्टिव है। तो उसके जो राइट ऑप्शन है वो है 1 एंड 2।
जो इसका थर्ड वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो वेरी करेगी ना, हर किसी के लिए सेम थोड़ी होगी। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 10 किलोमीटर जा रही हूँ और मेरी फिक्स कॉस्ट आ रही है 10 10 हज़ार, तो अगर मैं 20 किलोमीटर ट्रेवल करूंगी तो मेरी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, स्टेप आ जाएगा। तो मेरा जो राइट आंसर है वो है 1 एंड 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर अ होटल कंपनी फॉर अ लेटेस्ट 30 डे पीरियड। जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है एक होटल कंपनी की है, ये और ये इंफॉर्मेशन लेटेस्ट 30 डे पीरियड की है, 30 दिन की इंफॉर्मेशन है ये। नंबर ऑफ रूम अवेलेबल पर नाइट, एक नाइट में जो हमें रूम्स अवेलेबल होते हैं वो है 40। ओके, परसेंटेज ऑक्यूपाई ऑक्यूपेंसी अचीव्ड, मतलब कि इस 40 रूम अवेलेबल होते हैं पर नाइट और 65% जो है ये रूम ऑक्यूपाइड होते हैं। ठीक है, रूम सर्विसिंग कॉस्ट इनकर्ड, जो रूम सर्विसेज की जो कॉस्ट आती है वो आती है 3,900। वो ये पूछ रहा है व्हाट वाज द रूम सर्विस कॉस्ट पर ऑक्यूपाइड रूम नाइट लास्ट पीरियड टू द नियरेस्ट सेंट। अच्छा जी, अब आप जरा देख रहे हैं कि रूम नाइट ये कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट है। ठीक है जी, अच्छा जी, वो ये पूछ रहा है कि जो हम रूम ऑक्यूपाई करते हैं फॉर 1 नाइट उसकी क्या सर्विसिंग कॉस्ट आती है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड रूम नाइट। हमें ये तो पता है कि 65% रूम ऑक्यूपाइड होते हैं लेकिन नंबर तो नहीं पता। तो नंबर मालूम करने के लिए कि 40 रूम है, 30 डे पीरियड है, सही है जी, 40 मल्टीप्लाई बाय 30, 1200। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमें 30 दिन के लिए दी हुई है और 65% जो है रूम ऑक्यूपाई रहते हैं, 1200 का 65% 780, यानी कि 780 रूम्स ऐसे हैं जो कि पूरे महीने में ऑक्यूपाई रहते हैं। पर नाइट 40 रूम्स हैं, हम 30 डेज के लिए बात कर रहे हैं तो 30 डेज में 1200 रूम्स अवेलेबल रहते हैं। ठीक है जी, जिसमें से 65% जो है वो ऑक्यूपाई रहते हैं जो कि हो गया 780। अब मैं निकाल लूंगी अपनी रूम सर्विंग कॉस्ट, तो खर्चा है मेरा 3900। ठीक है जी, और क्या मेरी कॉस्ट आ रही है, इतना इतने जो है 65% ऑक्यूपाई रहते हैं, तो मेरी रूम सर्विंग कॉस्ट आ जाएगी $5। एक दिन की, एक नाइट की जो मेरी रूम सर्विंग कॉस्ट आएगी वो मेरी आ जाएगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी इज टू सेट अप अ स्मॉल हेयर ड्रेसिंग बिजनेस एट होम। ओके, एनी ने एक छोटा सा बिजनेस अपना सेटअप किया हुआ है घर में। शी एंटीसिपेट्स वर्किंग 35 आवर्स वीक, वो पूरे हफ्ते में 35 घंटे काम करती है एंड टेकिंग 4 वीक्स हॉलीडे पर ईयर, और वो 4 वीक्स की छुट्टी लेती है यानी कि 1 महीने की छुट्टी लेती है पूरे साल में। हर एक्सपेंसेस फॉर मटेरियल एंड ओवरहेड आर एक्सपेक्टेड टू बी 3,000 पर ईयर। जो उसके मटेरियल और ओवरहेड के खर्चे हैं वो है 30,000, सॉरी 3,000, एंड शी हैज सेट हरसेल्फ अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ 18,000 फॉर द फर्स्ट ईयर। और उसने अपने लिए टारगेट प्रॉफिट सेट किया है कि उसको 18,000 रुपये का बिजनेस के पहले साल में प्रॉफिट कमाना है। अज्यूमिंग दैट ओनली 90% ऑफ हर वर्किंग टाइम विल बी चार्जेबल टू क्लाइंट्स। अच्छा जी, कोई भी काम 100% होता है तो उसमें से वो 100 में से 90% जो है वो टाइम ऐसा है जो कि वो क्लाइंट्स के लिए ही मुख्तस है, बाकी का 10% नहीं है, 90% उसका वर्किंग टाइम है जिसका नाम है लेबर में पड़ा है।
अगर 100 घंटे हैं, अगर 100% घंटे हैं तो नो 90% घंटे वो क्लाइंट्स के लिए चार्जेबल हैं. व्हाट प्राइस शुड शी चार्ज फॉर अ कलर एंड कट विच वुड टेक 3 आवर? तो वो कितनी पैसे चार्ज करेगी कलर और कटिंग की अगर वो 3 घंटे लगातार काम करती है तो, या उसको यूं भी कह सकते हैं कि ऐसा कलर और कट जिसमें 3 घंटे लगते हैं तो उसके लिए वो क्या प्राइस चार्ज करेगी. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. वीक्स ड्यूरिंग ईयर 52, पूरे साल में 52 वीक्स होते हैं, इसमें से मैं माइनस कर रही हूँ 4, क्योंकि 4 तो वो तो छुट्टी ले लेती है ना 4 हफ्तों की, तो यानी कि वो 48 वीक्स काम करती है. सही है. आवर्स वर्क पर ईयर 48 वीक्स वो काम करती है और एक हफ्ते में 35 घंटे काम करती है, यानी कि पूरे साल में वो 1680 घंटे काम करती है. सही. अच्छा जी, आवर्स चार्जेबल टू क्लाइंट्स, अब पूरे साल में कितने घंटे काम करती है? 1680 घंटे. लेकिन 1680 घंटे तो 100% घंटे हैं. क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 90% जो टाइम है वो चार्जेबल टू क्लाइंट है, तो मैं 1680 का 90% लूंगी, यानी कि वो 1512 घंटे जो है वो काम करती है. यहाँ तक ये बात क्लियर है? अच्छा जी, अब तो मुझे रेट निकालना है. रेट निकालने के लिए आवरली चार्ज रेट, जो खर्चा है वो है 3,000 मटेरियल और ओवरहेड्स का, और 18,000 मेरा जो है वो है टारगेट प्रॉफिट. सही. डिवाइड मैं इसको कर दूंगी अपने आवर्स चार्जेबल टू क्लाइंट से, इसको मैं ऐड कर लेती हूँ. 21,000 डिवाइडेड बाय 1512, मेरे पास 1 घंटे का रेट आ जाएगा 21,000 प्लस 1512 25, डिवाइड करना 21,000 डिवाइडेड बाय 1512 तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगी 21,000 डिवाइडेड बाय 1512 मेरे पास आंसर आ जाएगा 13.88, 13.89. अच्छा जी, सबसे पहली बात आप लोग के जहन में सवाल आ रहा होगा कि मैंने ये 3,000 प्लस 18,000 क्यों किया? तो मुझे तो सेलिंग प्राइस निकालनी है ना 1 घंटे की, तो रेवेन्यू, सेलिंग प्राइस माने के रेवेन्यू निकालना है, तो रेवेन्यू में कैसे निकालती हूँ? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो मैं, अगर ये मेरे सेलिंग प्राइस 70 है, कॉस्ट सेलिंग प्राइस 100 है, कॉस्ट 70, मेरा प्रॉफिट आ गया 30. अब मुझे ये 100 निकालना है, तो मैं इसमें 30 प्लस 70 करके 100 निकालूंगी ना, इसीलिए मैंने अपनी कॉस्ट को और अपने प्रॉफिट को ऐड करके अपना जो है सेलिंग प्राइस निकाल ली है, और मैं जो हूँ 90% जो है चार्जेबल टू क्लाइंट्स देती हूँ अपना टाइम, तो मेरा 1 घंटे का जो रेट आ गया वो आ गया 13.8. अच्छा जी, अब मुझे निकालना है 3 घंटों के लिए, तो 13.89 मल्टीप्लाई बाय 3, राइट आंसर इज 41.67. अच्छा जी, यहाँ पे एक ऑप्शन है 41.67 जो कि छुप चुका है, तो वो इसका राइट आंसर होगा. पेस्ट करने में थोड़ा सा वो हुआ नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा
वो आ जाएगा 41.67। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following are likely to use service costing? Service costing कौन use करते हैं? College use करता है, बिल्कुल सही बात है। Hotel use करता है, plumber थोड़ी use करता है। Plumber में तो plumber को तो हम अपनी requirement के हिसाब से बुलाते हैं, अपनी requirement के लिए चीज खराब हो गई, फलानी चीज खराब हो गई, तो वो तो job order costing आ जाता है। तो 1 and 2 is the right answer. Which of the following would be considered a service industry? सर्विस इंडस्ट्री कौन कौन सी चीजें कंसिडर इस ऑप्शन में से हो सकती हैं? यस, एयरलाइन कंपनी भी हो सकती है, रेलवे कंपनी भी हो सकती है, फॉर्म ऑफ अकाउंटेंट भी हो सकती है। तो 1, 2 and 3 इज द राइट आंसर। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू मैनेजमेंट कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन। सैलरी कॉस्ट पर आर फॉर सीनियर कंसल्टेंट्स 40, सैलरी कॉस्ट पर आर फॉर जूनियर कंसल्टेंट्स 25, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आर अप्लाइड टू ऑल आवर्स वो है 20। ओके, रेट जो है जो तमाम आवर्स पे अप्लाई होगा वो होगा 20। द ऑर्गेनाइजेशन एड्स 40% टू टोटल कॉस्ट टू अराइव एट द फाइनल फीस टू बी चार्ज टू अ क्लाइंट। 40% जो है वो हमारा टोटल कॉस्ट, 40% टोटल कॉस्ट का जो है वो चार्जेबल होता है टू क्लाइंट्स। असाइनमेंट नंबर 789 took 54 आवर्स ऑफ अ सीनियर कंसल्टेंट टाइम एंड 110 आवर्स ऑफ द जूनियर कंसल्टेंट। ओके, जो ये असाइनमेंट है इसपे 789 जो है घंटे लगते हैं सीनियर के और 110 घंटे लगते हैं जूनियर के। व्हाट इज द फाइनल फीस टू बी चार्ज फॉर असाइनमेंट? तो कितना फीस चार्ज होगी असाइनमेंट के लिए? सीनियर से हम लोग लेते हैं 54 घंटे काम करते हैं, 1 घंटा काम करने के 40, 2160। जूनियर 110 घंटे काम करते हैं, 1 घंटा काम करने के 25, 2750। ओवरहेड हमारा कितना आ जाएगा? ओवरहेड्स हमारे इन दोनों को ऐड कर लेंगे, लेबर के घंटे ओवरहेड के घंटे सेम होते हैं। 54 प्लस 110, 164। 54 प्लस 110 और इसका जो 1 घंटे का रेट है वो है 20, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3280 आ जाएगा। इन तमाम को हम ऐड कर लेते हैं, 2160 प्लस 2750 3280, तो हमारे पास आ जाएगा 8190। ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट। अब हमें जो है अपनी फाइनल फीस बतानी है कि हम उससे अपना फाइनल फीस कितना चार्ज करेंगे, यानी कि अपनी सेलिंग प्राइस बतानी है ना, सही है? वो ये कह रहा है यहाँ पे, उसने बोल दिया है कि 40% जो है वो प्रॉफिट है, तो इसका मतलब और टोटल कॉस्ट पे है यानी मार्कअप पे है। तो अगर सेल्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट है मेरी 8190 जो 100% है, प्रॉफिट वो लेता है 40%, तो यानी कि ये 140 हो जाएगा। और मुझे ये वाली फिगर मालूम करनी है 8190, मुझे जाना है 140 पे और मैं हूँ 100 पे। 8190 मल्टीप्लाई बाय 140 डिवाइडेड बाय 100, 11466, 11466 इज द राइट आंसर। और ये फीस मैं असाइनमेंट के लिए चार्ज करूंगी, सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी ऑपरेट्स अ जॉब कॉस्टिंग सिस्टम। जॉब नंबर 1012 रिक्वायर्स 45 ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, 30 ऑफ डायरेक्ट लेबर्स। डायरेक्ट लेबर्स इज पेड एट अ रेट ऑफ 7.50 पर आवर। प्रोडक्शन ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड एट अ रेट ऑफ 12.50 पर डायरेक्ट लेबर आवर एंड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड एट अ रेट ऑफ 60% ऑफ प्राइम कॉस्ट। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 1012? ओके जी, आसान क्वेश्चन है। डायरेक्ट मटेरियल हमें दिया हुआ है $45, डायरेक्ट लेबर हमें दिया हुआ है 30, दोनों को ऐड कर लेते हैं, हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 75।
प्रोडक्शन ओवरहेड की बारी आती है, प्रोडक्शन ओवरहेड को उसने हमें रेट तो दिया हुआ है 12.50, आर्स हमें नहीं पता क्योंकि डायरेक्ट लेबर को तो उसने डायरेक्ट हमें कॉस्ट दे दी थी एक यूनिट के लिए, तो अब हम आर्स कैसे निकालें। तो अब हमें ये पता है कि जो डायरेक्ट लेबर की जो टोटल कॉस्ट है वो है 30, ठीक है, और जब एक घंटा काम करते हैं लेबर तो उसको 7.5 मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि 30 डिवाइडेड बाय 7.5, लेबर 4 घंटा काम करता है, लेबर तभी तो यहाँ पे ये 30 है। अगर हम चेक करना चाह रहे हैं, लेबर 4 घंटा काम करता है, 1 घंटे का रेट है 7.5 और मल्टीप्लाई बाय 7.5 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें रेट नहीं पता था, तो रेट मालूम करने के लिए मैंने अपनी टोटल कॉस्ट लेबर कॉस्ट को डिवाइड करवा दिया अपने 1 घंटे के रेट से, लेबर के तो मेरे पास घंटे आ गए 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 4 मल्टीप्लाई बाय 12.50 50 50, मेरा प्रोडक्शन ओवरहेड आ गया, इन दोनों को ऐड कर लूंगी 125, ये आ जाएगा मेरा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, और जो मेरा नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है वो है 60% ऑफ प्राइम कॉस्ट, 60% ऑफ 75 हो जाएगा मेरा 45, तो 125 प्लस 45 इज इक्वल्स टू 170, और ये है मेरी टोटल कॉस्ट 170। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट ईयर ब्रियान एयर कैरीड एक्सेस बैगेज ऑफ, अच्छे लगेज होना चाहिए, लगेज ऑफ 2,50,000 kg ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 7,500 किलोमीटर एट अ कॉस्ट ऑफ 37,50,000 फॉर द एक्स्ट्रा फ्यूल, व्हाट इज द कॉस्ट पर केजी किलोमीटर। अच्छा जी, एक एयरलाइन है ब्रियान, उसने एक्स्ट्रा लगेज कैरी किया है कितना, 2,50,000 kg और डिस्टेंस ट्रेवल किया है 7,500 किलोमीटर। वो ये सिर्फ मालूम करना चाह रहा है कि एक कॉस्ट पर केजी किलोमीटर तो उसका कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट दिए हुए हैं, हमें हमारी कॉस्ट तो पता है कितनी है, सही है, कॉस्ट पर केजी किलोमीटर निकालने के लिए हमें हमारी कॉस्ट तो पता है जो कि 3,750,000 है, नीचे वाला हमें नहीं पता। तो जब भी हमें कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट निकालना हो, हम दो कॉस्ट यूनिट को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 7,500, मेरे पास आ जाएगा 1,875,000,000, 1,875,000,000। तो मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर के अंदर आप ये वैल्यूज पुट कीजिएगा बड़े ध्यान से सारे जीरोस को देखते हुए, तो 0.002 पर केजी किलोमीटर। अच्छा, अगर 10 की पावर -3 आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो उसमें जीरो पहले आ जाते हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द दिसंबर 2012 एग्जाम। जो क्वेश्चन है ये आपके 2012 के एग्जाम में आया था, वो कस्टमर एक्स वेट ऑफ गुड्स डिलीवर्ड, इसको डिलीवर्ड हुए हैं 500 किलोग्राम गुड्स, डिस्टेंस कवर्ड हुआ है 200। वाई जो कस्टमर है इसको डिलीवर्ड हुए हैं 1800 किलोग्राम गुड्स और डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है 1200, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 680 और 1400 आ रहा है, 680 टोटल आ रहा है वेट का और 1400 टोटल आ रहा है डिस्टेंस कवर्ड का। द ट्रक कॉस्ट ऑफ 23060 टू ऑपरेट इन अ वीक, जो एक ट्रक की कॉस्ट आती है एक वीक में वो आती है 3060। ईच कस्टमर डिलीवरी वॉज कैरीड आउट सेपरेटली एंड द ट्रक मेड नो अदर डिलीवरीज इन द वीक। अच्छा जी, हर कस्टमर को जो है ना डिलीवरी अलग अलग की गई है, सही है जी। तो हमें कॉस्ट पर किलोग्राम किलोमीटर निकालना है ऑफ सैंड डिलीवर्ड, ये सैंड डिलीवर्ड हुआ है सैंड, ठीक है जी, गुड्स जो है ना ये सैंड है मट्टी। अच्छा जी,
तो हमें कॉस्ट पर किलोग्राम किलोमीटर निकालना है। अब ये तो बात समझ में आ गई है कि किलोग्राम को किलोमीटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे ही, सही है जी। अच्छा जी, अब सबसे पहले एक्स कर लेते हैं, 500 मल्टीप्लाई बाय 200, 1 लाख, वाई 180 मल्टीप्लाई बाय 1200, 216000, ओके सही है। जो ये जो बात लिखी है ना, ईच डिलीवरी वॉज कैरिड आउट सेपरेटली, इसका कोई मकसद है इस बात का। अब कैसे हम करेंगे, हम इन दोनों को पहले तो ऐड कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 316000। अब कॉस्ट पर किलोग्राम किलोमीटर निकालने के लिए हमारे पास ये तो आ गया है, ऊपर वाली कॉस्ट नहीं पता, एक दफा जब जाता है तो ये खर्चा आता है 3060 इन द वीक। एक दफा जब ट्रक जाता है कस्टमर एक्स को, जब डिलीवर करने जाएगा, जब बाय को करने जाएगा, तब भी ये खर्चा आएगा, तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करवा दूंगी, क्योंकि हर दफा सेपरेट सेपरेट डिलीवरी हुई है। तो ये आ जाएगा 6120, 6120 डिवाइडेड बाय 316000, तो इसका जो आंसर है मेरे पास आ जाएगा 0.01, 0.0199 आ रहा है, तो उसको 10 कंसीडर कर लेंगे, एंड बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो में क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।